तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। मतलब मुझे पता है मेरी वीडियो लेट आती है, लेकिन तुम लोग बोलकर शर्मिंदा मत किया करो यार कि हाँ भाई तेरी तो वीडियो लेट आती है। क्या करूँ अभी नहीं हो पा रहा है, मतलब उतरते ही मर जाता हूँ, तो क्या गेम प्ले बनाऊँगा बताओ, तुम ही बताओ। लेकिन फिर भी तेरे भाई ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की और ये वीडियो बना लिया आखिरकार। तो भैया बात कर लेते हैं इस वीडियो की। तो यहाँ पर मैं उतर जाता हूँ मिल्टा पावर, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उतरूं और मुझे गन मिल जाए फटाफट, और वो भी अच्छी, कभी नहीं। मतलब भाई गॉड इतना जॉर्जो पुल में मर चुका हूं ना मैं उतर उतर के, तो बोला भैया मिल्टा चलो, मिल्टा पावर चले आए हैं इस बार, और मुझे मिल गया है ये स्कॉर्पियन और एक शॉटगन। तो चलो भैया पेलते हैं, अब पेलने की बारी आ गई। और देखो यहाँ पे लेवल 3 का बैग मुझे मिल गया, लेकिन यहाँ पे मुझे स्कारल भी मिल जाता है, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं होता है कि मेरे पास स्कारल भी है। यदि मेरे पास पता होता ना मुझे कि स्कारल भी है मेरे पास, तो मैं स्कारल से लड़ने जाता, लेकिन बाय गॉड अब पता ही नहीं चला मेरे को, इतना एनिमी पे ध्यान था कि चल गए शॉटगन से मारने के लिए। और देखो किस तरीके से पेलते हैं उसको। फिर इसको पेलने के बाद यहाँ से निकलते हैं और भाई इसके डब्बे को लूट लेते हैं, और यहाँ से मुझे बैरल मिल जाता है। मतलब नहीं आई मुझे शर्म, नहीं आई लूटने में, मैं भिखारी की तरह लूट लेता हूँ, और इसको नहीं पूरे घर को लूट लेता हूँ। उसके बाद निकलते हैं बाहर, और बगल के वेयर हाउस से मतलब आवाज़ फुट स्टेप सा आ जाता है मुझे, तो बोलते हैं अब इसको भैया देखो किस तरीके से सांप बन के मारते हैं हम। फिर और इस संकल्प का संकल्प करने के बाद भैया आगे बढ़ते हैं, और ये बंदा बड़ा केयरिंग था। मतलब कार 98 लाया, मतलब मैं बीमार था तो मेरे लिए जूस और दवाई वगैरह भी लेके आया था, जिससे मैं बहुत मज़े से पिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। अब आप जोन देखो भाई साहब, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ मैं, इतना लंबा जोन, और प्लस यहाँ पे गाड़ी एनी टाइम लगी रहती है, मतलब दो गाड़ी तो हमेशा ही खड़ी रहती है। लेकिन आज जो हो जाए, मतलब बंदे भी हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि बंदे भाग गए गाड़ी लेके, नहीं बंदे भी हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है भाई साहब, उनके पास भी नहीं है। अभी आगे चलो मिलेंगे, आगे बंदे मिलेंगे हमें, कहाँ मिलते हैं वो आपको बताएंगे आगे। लेकिन अब क्या करें, अब गाड़ी की तलाश में हम दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, देखो कहाँ जाके मिलता है मुझे गाड़ी। और इतना दूर भागने के बाद मतलब मुझे बच बचा के किस तरीके से सब जगह चेक करके कि कहीं बंदा ना ठोक दे मुझे, कोई हेडशॉट ना लेके बैठा हो, किसी तरीके से भाग भुगा के, मतलब एक गाड़ी दिख जाती है दूर में, मतलब और मुझे विश्वास होता नहीं है कि भैया गाड़ी ही है कि पत्थर रखा हुआ है। तो एक बार स्कोप करके देख लेते हैं कि हाँ गाड़ी ही है, और फटाफट भागता हूँ मैं उस गाड़ी के पास। लेकिन कोई बॉट भैया हमारा पीछा कर रहे होते हैं, बोलते नहीं आज तो हम आज़ाद को मार के ही छोड़ेंगे, मतलब दौड़ रहे होते हैं। और भाई मैं आप लोगों को बता दूँ, जब दौड़ते हो ना तो कम से कम है ना, बहुत लोग आगे पीछे देखते नहीं है, तो कृपया करके वो जो आई वाला बटन होता है ना उसको घुमाइए और स्क्रॉल करके देखिए कि आगे पीछे कोई दौड़ तो नहीं रहा है। मतलब आज इस गेम में आपको दो बार ऐसा देखने को मिलेगा, तो एक बार तो बॉट है, एक बार बंदा भी होता है। तो दिखाते हैं आपको, देखिए किस तरीके से ठोकते हैं फिर इसको हम। अब गाड़ी तो भाई साहब हमें मिल गई है, लेकिन मतलब बोलते हैं ना जिसकी किस्मत खराब हो, मतलब आपकी किस्मत खराब हो ना तो आपके सूजे हुए गांड में जितना मलहम लगाना है ना लगा लो, लेकिन फिर भी वो दर्द देगा ही देगा। तो भाई साहब देखो क्या हाल होता है हमारी गाड़ी के साथ, आप खुद ही देखो। मतलब इसे देखने के बाद है ना दिल ऐसा टूट सा गया ना, मतलब अब कैसे पहुंच पाएंगे हम सर्कल तक। फिर भी हम दौड़े, मतलब जान बाकी है अभी मेरे पास, हेल्थ किट और मेड किट बाकी है मेरे पास, तो हम बच सकते हैं, और जोन भी फर्स्ट जोन है, तो इतना घबराने की ज़रूरत है नहीं मुझे। तो फिर भी हम भागे, लेकिन आगे देखो किस तरीके से एक बग्गी मिलती है, बट मुझे वो दिखती नहीं है और मैं भागे चले जाता हूँ। लेकिन फिर वापस मैं मुड़ के देखता हूँ वो स्क्रॉल करके, तो फिर मुझे बग्गी दिखती है, बंदा भी दिखता है। तो देखो उसको कैसे पेलते हैं, फिर एंजॉय करो। मतलब ऐसा हेडशॉट देख के मतलब मजा ही आ जाता है, मतलब अपने बारे में क्या तारीफ करूं, मतलब मैं हूं नूब, लेकिन फिर भी
ऐसा हेडशॉट यदि लगता है आज के डेट में, हाँ मानते हैं प्रो प्लेयर मारते होंगे, लेकिन हमें क्या, हम तो नूब है भैया, हम ये मारते हैं ना तो हमें लगता है भैया हमने पबजी की गांड मार ली है, तो बस हमारे लिए यही बहुत है। तो अभी जिनको जिनको पसंद आया भैया लाइक ज़रूर मार देना, और बाकी है अभी हेडशॉट बाकी है, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है, अभी बाकी है और बहुत हेडशॉट बाकी है, दो तीन है तो दिखाऊंगा आगे चल के। चलो आगे बढ़ते हैं जोन में, पहले चलते हैं हम, फिर हम जोन से निकल के यहाँ पे अपनी बग्गी रोकते हैं भैया। ये घर जो है ना जुड़वा घर, यहाँ से टीपीपी लेके मतलब कहीं से भी बंदा ठिला सकते हो, मतलब दोनों तरफ दिखता है, चारों तरफ कोई भी घर नहीं है, आसपास खुला मैदान है, मतलब कहीं भी बंदा सांप बन के लेटा होगा ना, आराम से स्पॉट करो, आराम से हेडशॉट मारो, मतलब वहीं पे उसका काम तमाम हो जाएगा। आस पड़ोस में कोई भी घर आपको नज़र नहीं आएगा, दूर दूर तक मतलब मैदान ही मैदान है, तो चलो देखते हैं कोई मिलेगा तो उसको पिलते हैं। मतलब ओपी भाई साहब, क्या ही बोलूं मतलब इस हेडशॉट के बारे में, मतलब क्या बोलूं, मतलब अभी तक तुम लोगों ने लाइक नहीं ठोका है ना, मतलब एक एक नल्ला नल्ला हेडशॉट देख के, इस हेडशॉट पे यदि तुमने लाइक नहीं ठोका ना, मतलब क्या बोलूं मैं, अब लाइक ठोक दो यार, और सब्सक्राइब का नीचे बटन दिख रहा होगा लाल कलर का, उसको काला कर दो, प्लस बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लो यार। तुम्हारा भाई को सपोर्ट करो, अपने भाई समझ के सपोर्ट करो यार, आगे बढ़ेंगे साथ में खेलेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे, अभी साथ में जुड़ोगे तो बाद में याद रहोगे, ठीक है? तो साथ में आ जाओ, सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दबा दो, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दो, और इंस्टाग्राम का नीचे आईडी दिया हुआ है, टिकटॉक का नीचे आईडी दिया गया, जहां पे मन चाहता वहां पे फॉलो कर लो, भाई तुम्हारे साथ है, मैसेज करो, बातें करेंगे, साथ में गेम खेलेंगे। कुछ दिन के बाद लाइव आऊंगा, कुछ दिन के बाद अपने सारी चीजें जमा कर रहा हूं तो, और स्क्रीन पे तुमको गूगल पे का नंबर दिख रहा होगा, पेटीएम का, फोन पे का, कुछ भी सपोर्ट करना चाहते हो ना तो भाई को मतलब थोड़ी सी सपोर्ट कर दो यार, जितनी तुम्हारी मर्जी हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जितनी औकात है तुम्हारी, मतलब कर सकते हो, कि 50 रुपये भी मतलब तुमको लगता है ना कि भाई को मदद करनी चाहिए तो ज़रूर यार, मतलब एक भेज दो, हम अगली बार है ना तुम्हारा नाम स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो यहां तक के लिए मार चुके हैं उसको हेडशॉट, तो अब आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं आगे क्या क्या कारनामा होता है। अब मैं आ जाता हूँ जोन के अंदर वाले एक घर में, और यहाँ से मुझे सामने एक ड्रॉप दिखता है, तो ड्रॉप के बगल में एक घर भी है, ड्रॉप पे तो कोई जीत गया नहीं, लेकिन ड्रॉप के बगल में जो घर है उसमें एक बंदा छिपा बैठा कैंप कर रहा है वो ड्रॉप को, लेकिन मुझे दिख जाता है, तो भैया हम मारने की कोशिश करते हैं उसे हेडशॉट, लेकिन लगता है बॉडी शॉट, लेकिन चिंता मत करो मैं हेडशॉट भी मारूंगा उसको, लेकिन वो ठिलता नहीं है यार, बंदा बहुत ढीठ होता है, पता नहीं लेवल 3 का हेलमेट लगाया होता है शायद से, इसलिए ठिलता नहीं है वो, और हमारा किल है ना, कोई दूसरा आदमी व्यक्ति आता है गिली सूट पहन के और ले जाता है किल को मेरे, मतलब दिल को दर्द होता है। ये तो रही बात उसके किल की, लेकिन वो साला कमीना मेरे को भी मार के जाता है, देखो इस दर्द भरी कहानी को। मैंने इसको भी मारा हेडशॉट, लेकिन पता नहीं भाई साहब कोई ठिल ही नहीं रहा, मतलब नहीं मर रहा है यार, क्या करूं अब, लेकिन वो मारेगा तो भैया हम सीधे ही परलोक सिधार जाएंगे, देखो। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही, क्या करूं मर गया हूं, शायद जीत सकता था ये मैच, क्या गलतियां हुई है मुझसे वो आप कमेंट सेक्शन में आके बता दो, ताकि मैं और भी अपनी गेम प्ले सुधार सकूं और अच्छी अच्छी गेम प्ले आप लोगों के लिए ला सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और कीप वॉचिंग आज़ाद गेमिंग, एंड चलो बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। One, two.
1, 2.